इसी जगह डेड बॉडी का अंतिम सारे परिवार के लोग चाहिए खून के बदला खून जितना पारिवारिक है ये सब घुसखोरी के अनुमान में पहलदारी नहीं अच्छा पुलिस प्रशासन से आप क्या उम्मीद रखती हैं? जैसा ही हमको देवर मार रहा है वैसा ही उसको भी चुके हैं। फिर उसी जगह जिस जगह परसों के डेट में एक घटना हुई थी जो उसी जगह हम उपस्थित हुए हैं, जो हम आपको दिखला रहे हैं, ये रहा उनका मकान, जो ये उनका मकान है जो जिनका मर्डर कर दिया गया। और जो आदमी का मर्डर हुआ था वो आदमी का इसी जगह डेड बॉडी का अंतिम संस्कार किया गया, जो इसके परिवार के और गांव के लोग इस लड़के से इतनी मोहब्बत करते थे, जो अंतिम संस्कार के लिए गंगा किनारे लोग ले जाते हैं, कहीं अपना गाछी बिरछी में ले जाते हैं अंतिम संस्कार के लिए, मगर इस लड़के से इतनी मोहब्बत थी कि ये अपने प्रांगण में इस लड़के का अंतिम संस्कार किया। और इनके बाबूजी सिर्फ यहाँ पे अकेले बैठे हुए हैं और कि बहुत हम मानते थे, यही के लेके कहे सामने में इसको हम जलाएंगे, अलग में हम नहीं जलाएंगे। हमारे गंगा किनारे क्यों नहीं लेकर के गंगा किनारे नहीं, यही दूरे पर हम कहे नहीं गंगा किनारे काहे ले जाएंगे, हमारे सामने रहेगा तो उसको पानी फूल पत्ती देंगे। क्या पुलिस प्रशासन के लोग से और सरकार से क्या आप अपील करना चाहते हैं? अपील यही करना है हम क्या उम्मीद रखते हैं? या उम्मीद रखते हैं उसको सबके फांसी के सजा होना चाहिए, यही और कुछ नहीं। अपराधी को पुलिस पकड़ पाएगी या नहीं? हाँ, पुलिस का पकड़ने का उनको अगर कृपा करके उनको सबके गिरफ्तार करके फांसी होना चाहिए अवश्य, और हमको कुछ नहीं चाहिए। कोई स्थानीय यहाँ के मुखिया सरपंच आपके से मिलने के लिए आए, यहाँ के जो विधायक हैं वो मिलने के लिए आए? विधायक नहीं आए हैं, मुखिया आए हैं अरुण भगत। हाँ, हमको से बात नहीं किया लेकिन वो आए हैं यहाँ, इसमें विधायक नहीं आए हैं, कोई नहीं, यहाँ के कोई विधायक नहीं आए। विधायक सिर्फ आएंगे वोट मांगने के लिए, जो मेरा वोट बैंकिंग कहाँ है वहाँ पहुँचेंगे, जो अभी तक यहाँ जो उनको इस तरह की घटना घट गई जो यहाँ उपस्थित होना चाहिए था उनका, ये पुराने मकान पे आए हुए हैं, जो इनको देखते हैं कौन कौन लोग इनके परिवार में हैं, जो इनका ये देखिए किस तरह ये पुराना मकान है, यही मकान है ना, ये उनका पुराना मकान हो गया जो अभी हम दिखाते हैं। ये उनके सारे परिवार के लोग हैं जो अभी तक पुलिस प्रशासन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी, 48 घंटा हो गया, आज के डेट में कोई मंत्री या विधायक के घर में इस तरीके का हादसा हो जाता तो कितनी पुलिस प्रशासन उतर करके आ जाती, और अभी तक इनके लड़के को मार दिया गया, बुरी तरीके इनको मारा गया, जो अभी तक पुलिस प्रशासन अपराधी को पकड़ने में नाकाम है, जो अभी तक पकड़ नहीं पाया है न किसी तरीके, और पुलिस प्रशासन अभी तक इनके किसी परिवार के लोग से भी मिलने के लिए नहीं आए हैं, और अपराधी का मनोबल इतना बढ़ गया है कि उसका कोई जवाब नहीं, और पुलिस का मनोबल घटता नजर आ रहा है। इन्हीं का ये सारा परिवार आप देख सकते हैं जो किस तरह बिलख बिलख के रो रहा है, जो उनके परिवार के लोग हैं ये सारे, जो आप देख सकते हैं क्या अड़तालीस घंटा हो गया, जो अभी तक पुलिस कहाँ है, पुलिस किस नींद में सोई हुई है, जो अभी तक नहीं पकड़ पाई रही है, इंटरनेट सेवा बंद होने के कारण आपको टाइम से अप टू डेट नहीं मिल पाया। जो सुबह में एक वीडियो वायरल हुआ था, आज जो कल के डेट में एक वीडियो वायरल हुआ था, उन्हीं के हम परिजन के घर है, जो क्या नाम था वो लड़के का, रीशु कुमार का मर्डर किया गया था, जो अभी तक पुलिस पकड़ने में नाकाम है। हम उनकी मम्मी है, ये मम्मी से हम बात करते हैं, क्या पुलिस प्रशासन और सरकार से क्या आप उम्मीद रखती हैं? बाबू हो घरे पर से बोला का, पाने बोला का, क्या
अभी तक आपके लड़के का परसों रात में मर्डर हुआ जी, अभी तक आप आपसे पुलिस प्रशासन के लोग मिलने के लिए आए हैं? नहीं आए हैं। आप सरकार से क्या उम्मीद रखती हैं? हो बाबू बेटा कहाँ भगालो हमारा दुखा। पुलिस प्रशासन से आप क्या उम्मीद रख रही हैं? बाबू हो आज खून के बाद हम और कुछ नहीं चाहते हैं। अभी तक प्रशासन हमसे लोग से मिलने के लिए कोई नहीं आया है अभी दरवाजा पे। क्या ये उम्मीद रखती है कि पुलिस अपराधी को पकड़ने में सफल रहेगी? हम वो कर सकता है तो पकड़ के दिखाए। हम मर्डर के बदला मर्डर हमको चाहिए, खून के बदला खून चाहिए। आप उसकी बड़ी भाभी हैं? नहीं, हम उनसे साजिल भाभी हैं, सजली भाभी हैं, उनका बड़ी भाभी है। ये बड़ी भाभी हैं। क्या पुलिस प्रशासन से आप क्या उम्मीद रखती हैं? जैसा ही हमको देवर मार रहा है वैसा ही उसको भी मार देगी। कोई नेता विधायक यहाँ आए हैं आप लोग से परिवार से मिलने के लिए? कोई नहीं आया। पुलिस प्रशासन जिस दिन से मर्डर हुआ उस दिन से अभी तक कोई आया है? कोई नहीं, कोई नहीं आया। खाली पकड़ता है उसको, कहे तीन गो की पकड़ना है। सब लोग आक्रोश से पर के कि ना या पकड़े ले से होने को प्रशासन कहाँ चल की जब हमको बच्चा को मारे वहाँ पे तो प्रशासन कहाँ थे? वो खोजते ना प्रशासन का क्या है हक, वहाँ पे अति करना चाहिए, शौचालय करना चाहिए। कहाँ थे प्रशासन गए हुए? क्या आप कौन है इनके? हम भाई हैं उनका। जी भाई हैं, अपना भाई हैं जी। जी क्या पुलिस प्रशासन सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? सरकार से यह निवेदन करते हैं सर जी, जो भी चीज है इसका उम्मीदवार करके रखे और अच्छा बना कर रखे। प्रखंड का जितना प्रभारी है ये सब घुसखोरी के अनुमान में पहलदारी नहीं अच्छा करते हैं। थाना पे आप गए थे? जी गए थे महज, अभी तक लग कोई सुनवाई नहीं है और रह गया जी वहाँ पर। बताइए 20 कदम के आसपास में हमारे भाई का मर्डर हो गया, मज प्रशासन का पता नहीं था। अभी तक पुलिस प्रशासन जो 48 घंटा हो गया है, जो अभी तक पुलिस प्रशासन कोई परिवार के लोगों से मिलने के लिए नहीं आए हैं। पुलिस प्रशासन सिर्फ दारू माफिया को पकड़ने के लिए है, जो दारू कहाँ बिक रहा है और दारू से दारू वाले को कहाँ पे पकड़ना है, सिर्फ दारू माफिया को पकड़ना है पुलिस का काम। पुलिस इतना बड़ा हादसा हो गया, बेरहमी से मारा गया और अभी तक कोई पुलिस प्रशासन के लोग न यहाँ परिवार वाले से मिलने के लिए आए हैं और न ही अपराधी को अभी तक पकड़ पाए हैं, जो 48 घंटा हो गया। आप देखते रहिए इंसाफ 24। जय हिंद।